आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट हिंदी गेमिंग में एक और भाग भाग 13 में। हमने हमने काफी आगे बढ़ चुके थे हम हमारे गेम में। हमने बागड़े बना ली थी, हमने हमारा फर्स्ट फ्लोर भी तैयार कर लिया था पिछले भाग में। ये देखिए, हमने ग्लास विंडो पैंस बना लिए थे और अब थोड़ी काफी सुंदर थोड़ा सुंदर लग रहा है हमारा घर। तो अब हमको हमारा बेड बनाना है, इन्हें बिस्तर बनाना है। और बिस्तर बनाने के लिए आपको चाहती लगती है वूल, ऊन चाहिए रहता है आपको, 3 ब्लॉक्स ऊन के और 3 ब्लॉक्स वुड प्लैंक के। तो हमारे पास अभी वूल तो नहीं है, पर हमारे पास स्ट्रिंग्स है और स्ट्रिंग 4 स्ट्रिंग से आप वूल बना सकते हैं। देखिए, हम हमारे बॉक्स में से स्ट्रिंग्स निकाल ले, स्पाइडर स्ट्रिंग्स। ये जब आप स्पाइडर को किल करते हैं तब आपको स्ट्रिंग्स मिलती है। ये देखिए, 1 2 3 4 और ये आया एक फूल। तो अगर आप इसे आपके क्राफ्टिंग टेबल में लगाएंगे ऐसी 1 1 2 3 और नीचे भी वुड प्लैंक्स, तो एक बेड बनेगा। तो हमारे पास एक वूल आ गया है, हमें अभी और इकट्ठे करने हैं, 2 वूल ब्लॉक्स और इकट्ठे करने हैं। अब हम देख लेते हैं, तो उसके लिए हमें मकड़ियों का शिकार करना पड़ेगा जो कि रात में निकलेगी, अभी रात होने ही वाली है। तो जब तक मैं आपको बताता हूँ कि हम आर्मर कैसे बनाते हैं। हमें ये बनाना है, ये देखिए हमारा हेलमेट, चेस्ट आर्मर, लेग आर्मर और बूट आर्मर। तो हमें बूट्स, लेगीज और चेस्ट और हेलमेट बनाना है। तो उसके लिए हम आयरन के बनाएंगे। हमारे पास आयरन 8 ब्लॉक्स है आयरन के। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखें इसमें कांच है, उसको निकाल लें, इसमें रखे हैं, नहीं रखे हैं आयरन ब्लॉक्स मेरे पास। चलिए हम अभी बना लेते हैं हेलमेट बना लेते हैं। और हेलमेट बनाने के लिए आपको 1 2 3 4 5 5 आयरन ब्लॉक्स इस सीक्वेंस में जमाने पड़ते हैं, तो आपका एक हेलमेट बनता है, आयरन हेलमेट है हमारा। ये देखिए, ये आ गया। अब इसे आपको इक्विप करना है, तो आप ई दबाइए इन्वेंटरी के लिए और इसको उठाकर लेफ्ट क्लिक से इसमें रख दीजिए। ये देखिए, ये हमारा आयरन हेलमेट बन चुका है। अगर आपको देखना है हम आपके कैरेक्टर को, तो आप F5 दबाइए। ये देखिए, ये हमने आयरन हेलमेट पहन लिया है। और ये स्किन है बैटमैन की, मैंने जो पिछले एपिसोड में ही डाली थी। तो ये हमारा आयरन हेलमेट आ गया है और आप देख सकते हैं आपकी हेल्थ बार है जो हाथ, उसके ऊपर एक आर्मर लेवल भी आ गया है जिसमें आपका 1 लेवल चालू है, क्योंकि हमने आयरन हेलमेट पहन रखा है। जैसे जैसे आप पूरा चेस्ट आर्मर, लेगीज और बूट्स पहनेंगे तो अब वो आर्मर लेवल भी बढ़ जाएगा उसके साथ ही, क्योंकि हमारे पास अभी 3 ही आयरन के ब्लॉक्स हैं, तो हम और आर्मर नहीं बना सकते। इसलिए अब हम चलते हैं और थोड़े आयरन और इकट्ठे करते हैं जब तक मकड़ियां भी बाहर आ जाएगी रात होने तक, और ये हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो चलिए हम खुदाई करते हैं, अब थोड़े आयरन ब्लॉक्स ढूंढते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा, या फिर ऐसा करते हैं, देखिए हमारी कुल्हाड़ी टूट गई, या फिर ऐसा करते हैं कि हम एक गुफा ढूंढते हैं जहां पर हमें आयरन ढूंढने में थोड़ी सहूलियत मिलेगी। हम हमारी कबल स्टोन्स एक कैथी बना ले, हमारे पास तलवार है, इसको जमा लेते हैं, कुल्हाड़ी भी है, और हम ये लोहे को हमारी जो हमें जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे हम इसमें डाल देते हैं। हमारे सैंड भी रख देते हैं खजाने के बक्से में, वूल भी रख देते हैं, और स्टेक हमारे पास खाने के लिए रख लेते हैं हम।
हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। सीढ़ियाँ हमें अभी कोई काम की नहीं है, लकड़ियाँ रख लेते हैं, और प्लैंक्स भी रख देते हैं, बाकी ये भी रख देते हैं। चलिए इतना बहुत है, हमने हमारी एक और कुल्हाड़ी बना लेते हैं। ये हमें काम देगी आगे, ये आ गई। तो चलिए अब ढूंढते हैं हम एक गुफा जिसमें हमको आयरन ढूंढना है। अभी सुबह हो रही है तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी ढूंढने में। देखिए मुर्गी घूम रही है यहाँ पर एक। अगर आप आपके घर से खोना नहीं चाहते हैं, अगर आप रास्ता भूल जाएं, तो उसके लिए एक उपाय है कि आप टॉर्चेस लगाएं। जैसे कि ये डायरेक्शन है आपके घर का, तो इस डायरेक्शन में आप एक मशाल लगा दें पेड़ पे, और पेड़ पे लगाएंगे तो पेड़ जल सकता है, इसलिए आप एक यहाँ पर डर्ट का ब्लॉक बना दीजिए, तो वो उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा जिस डायरेक्शन में आपका घर है। ये देखिए ये बन गया। ये एक आसान सी तकनीक है जिससे आप आपके घर का डायरेक्शन पता चलता है। ये देखिए ये पेडेस्टल है, और यहाँ पर हम एक मशाल लगा देते हैं। इसके जस्ट अपोजिट साइड में ये डायरेक्शन करेगा कि आपका घर किस साइड में है, तो आप इससे दूर से भी आप पहचान सकते हैं। एक बेसिक तकनीक है आपके घर का रास्ता ढूंढने के लिए अगर आप कहीं भटक जाते हैं तो। वो देखिए स्लेंडर एंडर स्लेंडर मैन घूम रहा है वहां पर। तो हमें अब आयरन ब्लॉक्स ढूंढने हैं। रात होने से पहले अगर हमें मिल जाते हैं तो हम वापस चले जाएंगे और वूल इकट्ठा करेंगे उसके बदले मकड़ियों को मारकर। हमारे पास वो देखिए गुफा वहां दिख रही है। ये शीप भी है, अगर आप शीप से भी ये वूल इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पर आ गए हैं तो हम थोड़े लोहा ढूंढ लेते हैं, लोहे के ब्लॉक्स। आप किसी भी गुफा में उतरे तो पहले अपने वापस आने का रास्ता बना लीजिए, क्योंकि अगर कोई नीचे जीव जंतु मिल गया तो फिर आपको वापस निकलने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पर एक मशाल लगा देते हैं तुमको हमें बाहर जाने का रास्ता याद रहे। वो देखिए विच है अंदर एक, अगर उसने हमें बॉटल से मार दिया तो हम हालत खराब कर सकता है, इसलिए हम इससे दूर ही रहें तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ नहीं है इससे बचने के लिए। वो देखिए हमारे पीछे आ रही है, हम इसे लड़ भी सकते हैं अगर आप को तकनीक मालूम है तो। वो क्रिस क्रॉस जाइए, मारिए 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 मारिए। ये देखिए मर गया, गुड। ये एक बेहतर तकनीक है मारने की। हमें इससे क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। चलिए कोई नहीं, हमें एक्सपी तो मिला कम से कम। तो रात होने वाली है और वो हमारा घर है, तो हम थोड़ी जांच पड़ताल कर लें इस गुफा की कि ये विच यहाँ पर क्या ढूंढ रही थी। मशाल लगा देते हैं हम यहाँ पर। आयरन ब्लॉक से देखिए यहाँ पर ये रहे, हम जल्दी से इकट्ठा करके निकलते हैं बाहर यहाँ से, ताकि और कोई परेशानी ना हो, और रात हो ही चुकी है। किसी भी गुफा के अंदर घुसने से पहले उसे मशाल से थोड़ा रोशन कर ले, थोड़ा कोयला भी इकट्ठा कर लेते हैं।
हमें ये काम आने वाला है आगे। तो लोहे तो हमें इतने ही मिले हैं, अब हम चलते हैं क्योंकि रात हो चुकी है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आसपास की जीव जंतु से ओ ज़ॉम्बी स्केलेटन्स घूम रहे हैं, वो देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी हैं वहाँ पर। वैसे अभी हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास तलवार है और हमने आर्मर भी पहन के रखा है एक। हम नदी पार कर लेते हैं आराम से। ये देखिए स्पाइडर घूम रही है, हमको वेब चाहिए इससे। तो हम वो 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 मारिए, वो देखिए इसने वेब गिराया, स्ट्रिंग्स यही चाहिए हमें। और मकड़ियाँ ढूंढते हैं हम ताकि उनसे हम स्ट्रिंग्स कलेक्ट कर सकें। आप अपने आसपास का ध्यान रखें। वो मकड़ी पानी में गिर गई, डाई 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 डाई। थैंक यू। वूप्सी, इसने कितने, हमारे पास 4 स्ट्रिंग्स हो गए, थोड़े और इकट्ठे करने पड़ेंगे हमें, यानी कि 8 स्ट्रिंग्स हो जाएंगे तो हमारी 2 वूल ब्लॉक्स बन जाएंगे उससे हमारे। ओ ओ ओ ओ, थोड़ा खतरनाक माहौल होता जा रहा है रात का, इसलिए हम जितना जल्दी हो सके अंदर चले जाएं।